मतलब नाइट को अभी 8 से 9 बजे का सीन है भैया, कलवा मुंबई। अब यहाँ के लोकल जो बस स्टॉप है या फिर मार्केट है जहाँ पे सब्जी मार्केट ही लग रहा है आसपास में, अच्छा अच्छा मुंबई थाने के अंडर में आज कलवा है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। और फिलहाल मैं हूँ मुंबई। मुंबई का ये थाने डिवीज़न के अंदर कलवा रेलवे स्टेशन है। अब कलवा रेलवे स्टेशन के रात्रि 10 बजे कैसा सीन रहता है एक हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग इक्के दुक्के लोग आते जाते आपको मिल जाएंगे। लगभग 10 बजे कुछ ऐसा ही सीन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये टिकट विंडो है यहाँ से, और ये फ्लाईओवर या क्रॉसिंग ब्रिज। ओ भाई साहब, क्राउड देख सकते हैं। मतलब गाड़ी के अंदर रात को 10 बजे का मतलब यहाँ जो भी गाड़ियाँ जाएंगी, थाने की तरफ से आने वाली ये गाड़ी है जिसमें हम भीड़ देखें तो बाहर लोग मतलब लटके हुए हैं, जैसा हम देख भी रहे हैं। ये देखिए कितना बाहर तक मतलब उनको सभी को मतलब किस तरीके से जान हथेली पे लेके चलना पड़ रहा है यार। कमाल की ये जर्नी होती है उनकी नाइट भर, ऐसे सफ़र करना पड़ता है रात को 10 बजे की। ओह माय गॉड। तो ये जो है अमरनाथ आसन गांव उधर की तरफ जा रही है। तो इसमें से कुछ लोग आने वाले होंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है इसलिए मतलब जी ये यहाँ का क्रॉसिंग मतलब ये CST की तरफ जाने वाली गाड़ी। जस्ट मतलब जो कलवा रेलवे जंक्शन है इसके जस्ट बाहर मतलब ये शॉर्ट है यहाँ का कलवा स्टेशन का, ये शॉर्ट रास्ता है जहाँ पे ऑटो टैक्सी स्टैंड मिलेगा। और इसके जस्ट बाहर में मतलब ये हनुमान मंदिर है। इस हनुमान मंदिर से अंदर की तरफ जब हम जा रहे हैं रात को 10 बजे का एक ओवरऑल सीन देखने के लिए, तो मतलब यहाँ का क्राउड तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये कलवा जो है ना इससे जस्ट आगे ही हमारे को यहाँ से थाना जो है ना थाना रेलवे स्टेशन मिलता है। लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ का छोटा सा एक हनुमान मंदिर बना हुआ है। और यहाँ का एक आगे हम चलकर देखें तो ये क्रॉसिंग ब्रिज है यहाँ का, और क्रॉसिंग ब्रिज है बाहर टू बाहर, रेलवे के प्लेटफॉर्म के अंदर से नहीं है, ठीक है। और यहाँ से जस्ट मैं देख रहा हूँ तो कुछ लोग जो है ना ऑटो वगैरह या फिर बाइक और अपनी जो ये स्कूटी वगैरह लेकर आते हैं, कोई तो इनका ट्रेन से आ रहा है ना तो उसकी वेटिंग कर रहे हैं ये, और उनको लेकर जाएंगे तो घर का परिवार का फ्रेंड या कोई भी हो सकता है। अब ये जो कलवा रेलवे स्टॉपेज है इससे हम जा रहे हैं मेन मतलब बाहर मार्केट की ओर। कलवा जो यहाँ का मेन जो रहने वाले या फिर यहाँ पे मकान वगैरह लोगों का निवास है उस तरफ खारी गांव की तरफ से, तो बहुत सारे लोग कई लोग क्या करते हैं यहाँ से मार्केट में से सब्ज़ी या फिर फल फ्रूट के ये छोटे मोटे ठेले लगे रहते हैं। 10 बजे तक भी अभी चालू है यहाँ पर, और कुछ खरीदार भी देखे जा सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये ट्रेन से आते जाते रहते हैं लोग, तो इस वजह से इनका मार्केट भी ये खुला रहता है रात तक। छोटे मोटे मतलब खाने की सामग्री भी यहाँ पर मतलब आपको फास्ट फूड वगैरह भी मिल जाएंगे। यहाँ से कुछ मार्केट बंद है तो कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरफ लाइटिंग अच्छी खासी है। जो स्टेशन की तरफ था वो एक शॉर्टकट था एक तरीके से, तो उधर लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। इस साइड में बहुत अच्छा एक मार्केट लग रहा है, लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी है इस साइड जैसा हम देख रहे हैं।
और ओलू नाइट स्टिंग पे हम निकले हुए हैं। ले लूँगे थाने भी, थाने भी ले लूँगे फ्रेम में, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी नाइट स्टिंग कर रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है नाइट का। कलवा और आसपास के एरिया में कैसा माहौल रहता है, कैसे लोगों का आना जाना रहता है, ये चीज़ है। तो ये हमारे साथ में अभी हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, जो फिलहाल गाड़ी चला रहे हैं। तो टू व्हीलर से हम सफ़र कर रहे हैं फिलहाल। अब यहाँ से मतलब ये मुंब्रा की तरफ जाने वाला रोड है, बाकी रेती बंदर और खारी गांव की तरफ इधर से मतलब ये रोड चली जाएगी हमारी लेफ्ट साइड की तरफ से। यहाँ पे थोड़ी चहल पहल है मार्केट में, जैसा हम देख रहे हैं। ये एक ऊंची सी बिल्डिंग, भाई साहब बिल्डिंग जो है ना रात को जगमगाती, इनकी रोशनी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बहुत अच्छा। दिन का जितना खूबसूरत सीन होता है, रात को उनसे और भी बेहतरीन इनका सीन। दूर से जब अच्छे से मतलब हम इसको शूट करके एक सीन फिल्माते हैं ना, तो बहुत ही उमदा अंदाज में हमारे को देखने में मनमोहक दृश्य दिखता है यार। ये यहाँ का ऊंचा सा टावर है, एक ऊंची सी बिल्डिंग है। बात करो, चलो आ गया, आ गया, आ गया। हाँ चलो, काम कर रहा हूँ। ये कौन सी रोड गया, मतलब मुंब्रा, मुंब्रा गंजा वाली रोड, अरे गाँव मुंब्रा रोड, नासिक बोले, नासिक हाईवे जो हाईवे वो तो नहीं है, बट हाँ नासिक बोलना, नासिक रोड की मानती है। मतलब ये जो सड़क है ना आप देख रहे हैं, थाने नासिक सड़क इसको बता रहे हैं, ये रोड है और यहीं से जस्ट आगे हाईवे आ जाता है नासिक। ये मतलब कलवा के आसपास का एरिया है, कौन सा एरिया में पड़ गया है यार, कलवा के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाइट का मतलब एक ऊंची सी बिल्डिंग मेरे को आसपास में ये दिख रही है, तो मैं सोचा क्यों ना आपको भी दिखा देता हूँ किस तरीके से मतलब नाइट को सीन इसका कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। और ये अच्छी खासी ऊंचाई पर बनी हुई ये बिल्डिंग है, कितने माले की है। यहाँ से जैसा हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देखिए वाओ अमेजिंग है। हाने की लाइटिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन ये सीन ज़बरदस्त। बहुत सारे फ्लैट हैं, उन्होंने लोगों ने लाइटें बंद कर रखी है, हो सकता है नहीं है इधर या फिर कोई भी रीज़न हो, पर्दा वर्दा लगा रखा है, इस वजह से लाइटिंग, बाकी कई जो बालकनी वगैरह हैं पीछे से लाइटिंग आ रही, जिससे इसका लुक है ना बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है यार। दो चार मालूम होता है, सर्च कराए हुए हैं गाँव का। मतलब जब हम निकले थे तो बारिश का कोई सीन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मतलब अभी भैया बारिश मतलब आने लग गई है, धीरे धीरे माहौल बन गया है। रात को 10:30 बजे, मतलब लगभग 10:30 बज गए हैं और बारिश आने का मौसम हो रहा है, तो फिर सॉफ्टी आइसक्रीम खाने के लिए। अपने जो राजस्थान में तो इसको भैया चिलम बोलते हैं, चिलम, चिलम वाली आइसक्रीम। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉफ्टी बोलते हैं कई बार, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। लाइट बहुत कमज़ोर है, आगरा क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आ गया एकदम बढ़िया जकास।